सावन की शिवरात्रि पर आज शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हर ओर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए काशीपुर के मोटेश्वर मंदिर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। कांवड़ मेला आज से संपन्न हो जाएगा। उससे पहले उत्तराखंड के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त अपने आराध्य महादेव को जल चढ़ाने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की कतार लगी हुई है, जहां कांवड़िए मोटेश्वर महादेव को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए काशीपुर में जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी कांवड़ यात्री को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही शिव भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। कल शिवरात्रि का दिन माना गया है और कुछ पंचांगों में परसों के लिए भी शिवरात्रि को माना गया है। परसों भी शिवरात्रि का व्रत रखने की तैयारियां हैं। इस अवसर पर हरिद्वार गए हैं बहुत से लोग भोले, और लोग वहाँ से जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर के आएंगे। उनकी तैयारी के लिए यह है कि यहाँ पर हम लोग चुस्त और दुरुस्त हैं। हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उनके, किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको ना हो। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं, और कल या परसों जब भी लोग जल चढ़ाने भगवान शंकर को आएंगे, जलाभिषेक करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। की बार संख्या यहाँ उत्तराखंड में हमारे इधर काशीपुर कम रही है, और मैं चाहता हूँ कि अगली बार हजारों हजार की संख्या में यहाँ से मेरे सभी युवा साथी, सभी शिव भक्त सावन के माह में भी कांवड़ लेने जाएं और लाभ उठाएं। रुड़की में भी डाक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ियों की मंगलौर से हरिद्वार तक लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अक्रम अहमद नाम का दरोगा डाक कांवड़ के आखिरी दिन ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए अलग अंदाज में नजर आया। डीजे पर डांस करते हुए पुलिस के जवान ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले रखा। इधर शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हाईवे पर वाहन दौड़ा रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ियों की दो बाइक आपस में टकराकर आग का गोला बन गई, जिससे हाईवे में जाम लग गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया गया। आज बड़ी संख्या में यहाँ हरिद्वार से शिव भक्त भोलों का प्रस्थान हो रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ से डाक कांवड़िए निकल रहे हैं। उम्मीद करते हैं उनकी यात्रा सुगम, सुरक्षित और सकुशल संपन्न होगी। देखिए, कुछ समय के लिए कहीं कहीं पर इनके दो तीन लाइनों में, चार लाइनों में कतारबद्ध हो जाने से ट्रैफिक के कंजेशन की एक स्थिति बनती है। वो एक चुनौती है जिससे पार पाने की हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं, और जब भी जाम की स्थिति बनी है उसे खुलवाया गया है। पुनः कोशिश की जाती है कि दोबारा जाम न लगे, और इसी तरह से ये व्यवस्था चलती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।